आर बिजी एक्सप्लोरिंग द आर्ट वर्ल्ड। और ऐसा ही कुछ देखने में आया जब रेनाउंड पेंटर आर्टिस्ट सईद अख्तर ने शोकेस किया अपनी स्केच बुक को एक एग्जीबिशन में, जिसमें वहाँ काफी लोग इंटरेस्ट लेते हुए नजर आए। स्केचेस किसी भी आर्टिस्ट के काम और थॉट प्रोसेस को समझने के लिए होते हैं काफी हेल्पफुल, और इसीलिए हर आर्टिस्ट नहीं करता अपने स्केचेस को पब्लिकली एग्जिबिट, क्योंकि स्केचेस होते हैं रॉ मटेरियल और उन्हें बनाने के बाद ही आर्टिस्ट ये डिसाइड करता है कि वो उन्हें लार्जर कैनवस पर उतारे या नहीं। ड्राइंग उनके नुमाइश उनके काम की एक बुनियाद है, और जो हाल में वो काम कर रहे हैं वो एक और नौयत का काम है। पेंटिंग्स कर रहे हैं और वो पेंटिंग्स करने से पहले वो ड्राइंग्स करते हैं, उनका तरीका कार काम करने का ये है। उनकी खासियत ये है कि वो औरत को, घोड़ों को स्टाइलाइज्ड फॉर्म में लैंडस्केप भी किए हैं उन्होंने, कैलीग्राफी भी की है, बहुत कुछ। बट ये कि ज़्यादा जो आज यहाँ पे जो काम नज़र आ रहा है वो वुमेन बेस्ड है, तो इतना ही मैं कहूँगी कि अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी दे और इसी तरह हम उनका काम देखते रहें मज़ीद। सईद अख्तर की इन फ्री हैंड ड्राइंग्स में ह्यूमन स्पिरिट और इनोसेंस होती है काफ़ी हाईलाइट। इस एग्जीबिशन में रखे गए थे सईद अख्तर के काम के 118 पीसेस, जिनमें शामिल है उनका पेंसिल सेल्फ पोर्ट्रेट भी। वैसे आर्ट को सिर्फ देखने और समझने में फर्क है, तो ये खुलासा भी देखने वाले ही कर सकते हैं कि वो आर्ट को कितनी अच्छी तरह समझते हैं।